विद्युत धारा एक। पहचानो मेरा मोल, मैं हूँ आप सबके लिए अनमोल। मेरे बिना न कोई साधन, आपको मेरी जरूरत है घर घर आंगन। इस वीडियो का उद्देश्य विद्युत के अवयवों, उनके प्रतीक और विद्युत धारा के प्रभाव के बारे में जानना है। क्या बिजली को भी अभी कटना था? बिजली के बिना कितना मुश्किल है। हाँ, वो तो है। जब हम छोटे थे इस गांव में बिजली नहीं होती थी। पढ़ना लिखना बहुत मुश्किल होता था। न बिजली के पंखे थे, न बल्ब और न ट्यूबलाइट, न टीवी, न रेडियो, कुछ भी नहीं था। टीवी पर तो ये भी दिखाते हैं कि शहरों में रसोई घर में भी बिजली की मदद से खाना बनाया जाता है, कपड़े भी बिजली की मदद से धुल जाते हैं, यहाँ तक कि बर्तन धोने की मशीन भी बिजली पर निर्भर है। अच्छा, हमारे जिला अस्पताल की मशीनें जैसे एक्सरे मशीन भी बिजली से चलती हैं, लेकिन हमारे गांव में ही बार बार बिजली क्यों चली जाती है? दिन में तो रोशनी रहती है, रात में अंधेरा। क्या हम सूरज की रोशनी को किसी डिब्बे में बंद करके नहीं रख सकते ताकि वो रात को इस्तेमाल कर सके? ऐसे थोड़ी ना होता है। तो क्या हर गांव में, हर शहर में ऐसे ही बिजली चली जाती है? बच्चों, अभी तक यहीं पर हो, मुन्ना के घर से चारा लेने नहीं जाना, टॉर्च जरूर ले जाना, बाहर अंधेरा है। अरे देखो, घर में बिजली नहीं है लेकिन मोहल्ले के खंबे का बल्ब तो जल रहा है, ऐसा क्यों? रमेश, टॉर्च बंद कर दो, आज तो चांद की रोशनी ही काफी है। कितना अच्छा होता कि सूरज दिन भर चमकता रहता, अंधेरा ही नहीं होता। अरे रमेश, वहाँ देखो, बिजली की तार कट गई है, कहीं बिजली इसलिए तो नहीं चली गई? हाँ, हो सकता है, चलो चलकर देखते हैं। यहाँ पर कुछ लोग काम भी कर रहे हैं, और देखो बिजली घर के चाचा भी यही हैं। रमेश, मुन्ना, लता, आप लोग यहाँ कैसे? नमस्ते चाचा जी। इस तार के पास मत आना। चाचा जी, मोहल्ले के खंबे की लाइट कैसे चल रही है? गांव में तो पूरा अंधेरा है। सौर ऊर्जा पर चलती है। अच्छा, क्या सूरज की रोशनी को सचमुच इकट्ठा करके इस्तेमाल किया जा सकता है? हाँ, यह संभव है। बिजली की तार की मरम्मत होने के बाद बिजली आ जाएगी। बहुत रात हो गई है, आप लोग अभी चलो। कुछ देर के बाद बिजली आ गई और बच्चे घर चले गए। क्या आपको सौर ऊर्जा के बारे में पता है? सौर ऊर्जा सीधे सूर्य से प्राप्त की जाती है। वैसे तो सौर ऊर्जा का विविध प्रकार से प्रयोग किया जाता है, किंतु सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने को ही मुख्य रूप से सौर ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। रात भर सो नहीं सका, मुझे जिज्ञासा हो रही थी कि तार काटने से बिजली क्यों चली गई। मुन्ना, लता, चलो चाचा जी से मिलकर पूछते हैं। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते बच्चों, इतनी सुबह क्या बात है? चाचा जी, ये हमारे गांव में बिजली बार बार क्यों चली जाती है? परीक्षा नजदीक आ रही है और पढ़ाई में कठिनाई हो रही है। कल रात तो एक तार नीचे गिर गई थी, कुछ दिनों से तेज हवा के कारण यह हो रहा है। हम हवा को तो रोक नहीं सकते। अच्छा, जब तेज हवा और बारिश होती है हम सावधान रहते हैं ताकि किसी को नुकसान न पहुंचे, इसीलिए हम बिजली की आपूर्ति को काट देते हैं। पर क्यों चाचा जी? कई बार बिजली की तार नीचे गिर जाती है और उसमें बिजली रहती है, इससे लोगों को झटका लग सकता है। अच्छा,
ये तो खतरनाक है। क्या बिजली का तापीय प्रभाव रहता है? हाँ, क्या आप मुझे उन बिजली के उपकरणों के बारे में बता सकते हो जो बिजली की वजह से गर्म होते हैं? माँ कहती है कि किसी भी बिजली के उपकरण को गीले हाथों से बिल्कुल नहीं छूना चाहिए। चाचा जी, हमारे घर में एक पानी गर्म करने की रॉड है। जब हम इसे पानी में डालते हैं, पानी 10 मिनट में गर्म हो जाता है। शाबाश, उसे इमर्शन रॉड कहते हैं। इमर्शन रॉड विद्युत धारा के तापीय प्रभाव की वजह से पानी को गर्म करती है। चाचा जी, मेरी माँ तो इलेक्ट्रिक स्टोव पर खाना बनाती है। जब बिजली होती है तब खाना बन जाता है। शाबाश, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव की वजह से कई उपकरण प्रयोग में आते हैं। बच्चों, क्या आप उन उपकरणों के बारे में पता लगा सकते हैं जो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव की वजह से गर्म होते हैं? सोचिए और अपने अध्यापकों के साथ बैठकर इस सूची को बनाइए। आपको बहुत मजा आएगा। चाचा जी, यह बैटरी का चिन्ह है ना, और यह तो बल्ब का। जैसे हम सड़क के लिए सड़क चिन्ह और खतरे के लिए यह चिन्ह इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही विद्युत अवयवों के लिए भी अलग अलग चिन्ह इस्तेमाल करते हैं। जैसे यह चिन्ह बल्ब का, यह स्विच का, यह तार का और यह बैटरी का। ये बैटरी के धन टर्मिनल और ऋण टर्मिनल का निशान है। हाँ, तुमने सही कहा। और यह सामान्य विद्युत परिपथ है। बिजली के हर उपकरण के लिए एक परिपथ रहता है। इससे हमें विद्युत की आपूर्ति के बारे में पता चलता है। इस परिपथ से तो समझ आ रहा है कि धन टर्मिनल से बिजली जा रही है और यह बल्ब जल रहा है। शाबाश बच्चों, आप तो जल्दी सीख गए हैं। काश उस टावर पर बैठे पक्षियों को समझ आता। उनको भी झटका लगता है और मर भी जाते हैं। पता है, कई बार इन पक्षियों की वजह से विद्युत आपूर्ति में बाधा आती है। धन्यवाद चाचा जी हम सबको समझाने के लिए। हम चलते हैं चाचा जी। बच्चों, क्या आप पता लगा सकते हैं कि और कौन कौन से चिन्ह इस्तेमाल किए जाते हैं? चलिए पता लगाते हैं। बच्चों, अब तो आप लोगों ने मुझे पहचान लिया होगा। मैं आप सभी की जिंदगी में रोशनी देती हूँ। मैं आप लोगों की दिनचर्या की एक महत्वपूर्ण अंग बन चुकी हूँ। खाने से लेकर सफाई तक मैं आप लोगों की मदद करती हूँ। हाँ, मैं बिजली हूँ, लेकिन देखा मैं कितनी तेज हूँ। आपको मुझसे बच के रहना होगा। नंगे पैरों से, गीले हाथों से किसी भी बिजली के उपकरण को छूना नहीं। अगर कहीं पर मेरे तार नीचे गिर गए हों तो उनको मत छूना। बिजली के खंभों से दूर रहिए, वे खेलने की चीज नहीं है। इस वीडियो में आपने विद्युत अवयवों के बारे में, उनके चिन्हों के बारे में और विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के बारे में सीखा है। अगले वीडियो में आप विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के बारे में जानेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।